उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के इन अनमोल विचार के साथ प्रारंभ करते हुए मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्लास टेंथ के फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ और वह चैप्टर है विद्युत धारा। तो आइए चलते हैं विषय वस्तु पर। और इसके साथ साथ मैं आपको रिमाइंड कर दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आंकिक प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त कुछ आवश्यक सूत्र हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे संक्षिप्त में करते हैं। प्रतिरोधों का समूहन, पहला है श्रेणी क्रम समूहन जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया गया है। यदि इसका समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो उन अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा है समांतर क्रम समूहन, इसमें भी तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया गया है और इसका यदि समतुल्य प्रतिरोध RP हो तो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तीसरा नंबर R = ρ L/A, जहाँ ρ = प्रतिरोधकता है, L = तार की लंबाई, A = अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Q = I × T। अर्थात आवेश प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। Q = आवेश, I से धारा सूचित होता और T से समय को सूचित किया जाता है। पांचवा नंबर ओम का नियम, I समानुपाती भी। स्पष्टतः परिपथ में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है या I = V/R या V = I × R, जहाँ पर R = कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। छठा नंबर विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा U = I²RT या U = I का वैल्यू यदि ओम्स के नियम से V/R रखा जाए तो V²R² × R × T V²T/R। अगला है विद्युत शक्ति जिसे P से सूचित किया जाता है और वह W/T के बराबर होता है। W I²RT और T कैंसिल, यानी कि P = I²R। अब इन सूत्र की सहायता से हम उन आंकिक प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है, परिपथ में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कितना समय लगेगा? तो I = 2.5 एम्पियर, Q = 12 कूलाम और T = वाट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं Q = I × T या
टी इक्वल टू क्यू बटे आई और आई का वैल्यू 2.5 पचे 25 पाँच दूनी 10 24 बटे 5 पाँच चौक 20 पाँच अठे 40 सेकेंड आंसर। दूसरा प्रश्न है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2 मिनट, यानी कि t इक्वल टू 2 मिनट, जिसे सेकेंड में बदलेंगे 120 सेकेंड, और है I दिया हुआ 3 एम्पियर, तो I इक्वल टू 3 एम्पियर, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q बराबर वाट। तो चूंकि Q इक्वल टू I गुना T, I 3, T 120, 360 कूलम्ब, यह हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का भी मान निकालें। तो 4 ओम और 12 ओम का 2 प्रतिरोध है, यानी कि R1 4 ओम और R2 12 ओम। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में RS इक्वल टू R1 प्लस R2, 12 4 16 ओम आंसर। समांतर क्रम में RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, R1 12 4 16 4 6 16 4 3 12, यानी 3 ओम। फोर्थ नंबर सम, समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो चूंकि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम, यानी कि RP इक्वल टू 4 ओम और संयोजित समान प्रतिरोध है, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R माना। अब 1/RP इक्वल टू R1 R2 R3 R4, RP का वैल्यू 4 और R प्लस R, क्योंकि यह समान प्रतिरोध है। 1/4 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/4 इक्वल टू 4/R, इसलिए R इक्वल टू 16 ओम। पांचवा प्रश्न है, यदि 2 चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम एवं 5 ओम होते हैं तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। तो चूंकि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम दिया हुआ है और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है, और माना कि वह प्रतिरोध R1 और R2 है, इसलिए
श्रेणी क्रम में RS इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, 20 आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर समांतर में आर पी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, आर पी 5 ओम, आर वन प्लस आर टू इक्वेशन फर्स्ट से 20, आर वन इंटू आर टू इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूँकि आर वन माइनस आर टू स्क्वायर बराबर स्क्वायर माइनस 4 आर वन इंटू आर टू, बीजगणित के सूत्र से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू 20 माइनस 4 आर वन इंटू आर टू 100 400 400 0। इसलिए आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 20, आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 0 जोड़ने पर 2 आर वन इक्वल टू 20, आर वन इक्वल टू 10 ओम। नाउ पहला समीकरण से आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 20, आर वन 10 इसलिए आर टू इक्वल टू 20 माइनस 10 10 ओम। अर्थात आर वन इक्वल टू 10 ओम, आर टू इक्वल टू 10 ओम आंसर। उसके बाद सिक्स नंबर है, छठा नंबर हिसाब है। एक चित्र दिया गया है जिसे विद्युत परिपथ में धारा की गणना करने के लिए बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि आर वन इक्वल टू 9 ओम, आर टू इक्वल टू 3 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू 9 प्लस 3 12 ओम। चूंकि प्रश्न में दिया गया है भी यह 6 वोल्ट है, तो चूंकि भी इक्वल टू 6 वोल्ट, आर एस इक्वल टू 12 ओम, तो हमें इसमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है। तो आई इक्वल टू व्हाट, चूंकि आई बराबर भी बटे आर एस 6 6 × 12 0.5 एम्पियर। उसके बाद इसी में 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू 9 ओम तथा R इक्वल टू 9 ओम भी इक्वल टू हो जाएगा, विभवांतर की गणना करनी है तो भी निकालनी है I इक्वल टू 1/2 एम्पियर और भी इक्वल टू वाट। चूँकि भी बराबर IR, I हाफ और R 9 9/2 अर्थात 4.5 वोल्ट, दूसरा आंसर
यह होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, इस आकृति में समतुल्य प्रतिरोध निर्धारित करना है। तो ए सी और सी बी इसको श्रेणी क्रम में लेंगे, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, एक सौ ओम। उसके बाद यह आकृति इस प्रकार हो जाएगी, 25 ओम 100 ओम, और यह समांतर क्रम में होगा, आर पी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। एक सौ पच्चीस, पच्चीस पंचे सवा सौ, पाँच दूनी दस, अर्थात 20 ओम आंसर। इसके बाद दूसरी आकृति दी हुई है जो इस प्रकार है, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले 8 ओम और 8 ओम इसका समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, आर पी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, आठ आठ सोलह, चार आठ, अर्थात 4 ओम। अब यह आकृति बदलकर इस प्रकार हो जाएगी, 4 ओम, यह भी 4 ओम और यह भी 4 ओम। अब यह श्रेणी क्रम में हो जाता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, बारह ओम। तीसरी आकृति है जो कि इस प्रकार है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम 5 ओम और 5 ओम इसे श्रेणी क्रम में निकालेंगे, आर वन प्लस आर टू 10 ओम, फिर 20 ओम और 20 ओम इसे भी श्रेणी क्रम में निकालेंगे, चालीस ओम। अब यह आकृति बदलकर इस प्रकार हो जाएगी, दस ओम, चौबीस ओम और ये हो गया चालीस ओम। अब यह समांतर क्रम में हो चुका है, अर्थात
वन बटे आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, टेन, ट्वेंटी फोर, फोर्टी। और इसका यदि सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो आर पी इक्वल टू निकल जाएगा 6 ओम। आठवा नंबर प्रश्न है, यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत हो रही है। तो R दिया हुआ है 40 ओम, I 1.5 एम्पियर और P निर्धारित करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 1.5 स्क्वायर और R का 40, 1.5 40, इसको यदि गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 900 वाट। नाइन्थ नंबर प्रश्न है, एक टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट 500 mA लिखा है, बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति निर्धारित करना है। तो चूंकि V इक्वल टू 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, I इक्वल टू 500 mA, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 / 1000 एम्पियर, हाफ एम्पियर। और हमें इसमें R और P निर्धारित करना है। तो चूंकि R इक्वल टू V बाय I, V का वैल्यू 2.5 और I का हाफ 2.5, 10 कैंसिल, इसलिए R इक्वल टू 5 एम्पियर। फिर P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो I हाफ निकाल चुके हैं और R 5 होगा, हाफ इंटू फाइव, 5/4, यह हो जाएगा 1.25 वाट। दसवा नंबर प्रश्न है कि एक ऐसी आकृति दी हुई है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निर्धारित करना है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू 2+2 4 ओम, फिर नीचे वाला RS इक्वल टू 2+2 4 ओम, और यह दोनों मिलकर के समांतर क्रम में बन जाता है। R by P इक्वल टू 1/R1 R2, तो 1/4 + 1/4 2/4 हाफ, इसलिए RP इक्वल टू 2 ओम। कुल वोल्ट 20 और यहाँ पे श्रेणी क्रम में बनता है फिर प्रतिरोध है, तो RS इक्वल टू 4+4+4+4 16 ओम, 16 ओम प्रतिरोध और 2 ओम प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 2+16 18 ओम।
इसलिए I इक्वल टू वी बाय आर, तो वी हो गया 20, 18, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 बटे 9 एम्पियर। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न यदि बच जाते हों तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि कमेंट के द्वारा उसकी हमें जानकारी देंगे।